वीपीसी ट्यूटोरियल में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। वीपीसी ट्यूटोरियल की तरफ से राजस्थान फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल वीपीसी ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। आज अपन इसी कड़ी में नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं, च्यूएबल टेबलेट्स। च्यूएबल टेबलेट्स, च्यूएबल टेबलेट वो होती हैं जिनको अपन मुंह में ही क्रश कर देते हैं, ठीक है। तो च्यूड इन माउथ। अब मुंह में ही अपन क्यों क्रश करते हैं इन टेबलेट को, च्यूड इन माउथ, माउथ मुंह में ही क्यों क्रश करते हैं, क्योंकि इनकी साइज जो टेबलेट की होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, डोज बहुत ज्यादा हो जाती है किसी भी ड्रग की, तो उनको डिफिकल्टी होती है निगलने में, डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग। तो बेसिकली च्यूएबल टेबलेट्स बनाई जाती हैं एंटासिड्स के लिए, किसके लिए, एंटासिड्स के लिए च्यूएबल टेबलेट्स बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं एंटासिड्स के लिए, बिकॉज डोज ऑफ एंटासिड इज वेरी हाई, डोज ऑफ एंटासिड इज हाई। तो जो टेबलेट की साइज बनेगी वो क्या बन जाएगी, बड़ी। सो टेबलेट इज डिफिकल्ट टू स्वेलो, टेबलेट इज डिफिकल्ट टू, टेबलेट इज डिफिकल्ट टू स्वेलो, टेबलेट इज डिफिकल्ट टू स्वेलो, इसीलिए च्यूएबल टेबलेट्स अपन बनाएंगे एंटासिड्स के लिए, ठीक है। अब च्यूएबल टेबलेट्स में खास बात रहती है कि च्यूएबल टेबलेट्स में एंटासिड की जो एक्टिविटी रहती है वो पार्टिकल साइज से रिलेटेड रहती है। एक फार्मास्यूटिक्स का बहुत ही अच्छा फंडा है, पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज जितनी कम होगी सरफेस एरिया ज्यादा होगा, पार्टिकल साइज कम होगी तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो डिजोल्यूशन ज्यादा होगा, डिजोल्यूशन ज्यादा होगा तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, ठीक है। तो एंटासिड के केस में अगर एंटासिड की पार्टिकल साइज कम लेंगे, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा डिजोल्यूशन होगा, इसका मतलब अपन समझ सकते हैं बेटर एसिड न्यूट्रिलाइजेशन होगा, क्या होगा, बेटर एसिड न्यूट्रिलाइजेशन, बेटर एसिड न्यूट्रिलाइजेशन। अब एसिड का न्यूट्रिलाइजेशन बेटर होगा, इसी के साथ इन टेबलेट्स में एक और खास बात है कि एंटासिड टेबलेट मुंह में निगलते ही इनकी स्प्रेडेबिलिटी भी अच्छी रहनी चाहिए, तो इनकी स्प्रेडेबिलिटी बढ़ाने के लिए इनमें मिलाए जाते हैं डिस्पर्सिंग एजेंट, क्या मिलाए जाते हैं, डिस्पर्सिंग एजेंट, ठीक है। तो डिस्पर्सिंग एजेंट ऐड किए जाते हैं, और ऐड क्या नहीं किए जाते, डिसइंटीग्रेंट्स ऐड नहीं किए जाते, नॉट ऐड डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की इनमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि टेबलेट को अपन को डिसइंटीग्रेट कराना ही नहीं है, माउथ में ही उसको चबा लेना है, क्यों, च्यूड इन माउथ इज च्यूएबल टेबलेट्स। तो च्यूएबल टेबलेट्स आर डिजाइंड विद डिस्पर्सिंग एजेंट, ठीक है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इनमें नहीं होते। डिस्पर्सिंग एजेंट्स के एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के हिसाब से, ये हैं आपके साइमेथिकोन एंड डाईमेथिकोन, ये दोनों में कोन आएगा सफिक्स, कौन सफिक्स आएगा, साइमेथिकोन एंड डाईमेथिकोन। तो ये होती हैं बेसिकली च्यूएबल टेबलेट्स, ठीक है। जनरली एंटासिड्स के लिए च्यूएबल टेबलेट्स बनाई जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं, क्योंकि एंटासिड्स के लिए डोज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो डोज ज्यादा हो जाता है इसीलिए डिफिकल्टी इन स्वेलोविंग। सो च्यूएबल टेबलेट्स आर
इजीली फॉर्मुलेटेड फॉर एंटासिड्स, ठीक है, चीवेबल टेबलेट्स बनाई जाती हैं। क्यों? बेटर एसिड न्यूट्रिलाइजेशन मिलता है और इसमें डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट नहीं होते, इनकी जगह क्या होते हैं, डिस्पर्सिंग एजेंट, और डिस्पर्सिंग एजेंट होते हैं साइमेथिकोन एंड डाइमेथिकोन, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को सुनने के लिए और देखने के लिए। आपका भविष्य उज्ज्वलमय हो।